friends, my name is Mukta Thief and I welcome you all at my YouTube channel Simplify GS with Mukta. On this channel, I do cover topics of general studies for all competitive exams. And if you haven't subscribed the channel yet, then please subscribe it for the further update. So guys, we were doing Rajasthan ki folk deities wala jo topic tha, Lok Devta topic. Usme kafi log jo Lok Devtas hain unko cover kar chuke hain. We have covered Panchpeers, which includes jisme aapke Ramdev ji aa jate hain. एंड बाबू जी, गोगा जी, जी मांगलिया जी, हड़बू जी के बारे में हमने और इसके साथ में हमने तेजा जी के बारे में भी पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कल्ला जी राठौड़ को। कल्ला जी राठौड़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विदाउट वेस्ट टाइम लेट स्टार्ट। कल्ला जी राठौड़, ये कल्ला जी राठौड़ की इमेज है, आप देख पा रहे हैं, ये फोटो है कल्ला जी राठौड़ की। कल्ला जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़। सबसे पहले तो देखते हैं कल्ला जी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। कल्ला जी राठौड़, व्हेन ही वाज बोर्न। तो कल्ला जी राठौड़ का जन्म होता है 1544 में। डेट हमारे लिए उतनी काम की नहीं है, बट कहाँ पे हुआ था दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको जगह के बारे में पता होना चाहिए। जगह का नाम है सामियाना विलेज। सामियाना विलेज है जो कि है कहाँ पे, मेड़ता नागौर के अंदर, नागौर के अंदर। यहाँ पे कल्ला जी राठौड़ का जन्म हुआ था। सामियाना विलेज है ये, मेड़ता नागौर के अंदर। और कब हुआ था, किस डे पे हुआ था, तो वो था आश्विन, आश्विन शुक्ल अष्टमी, शुक्ल अष्टमी। डेट लिख रही हूँ, आप समझ जाना। आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन कल्ला जी राठौड़ का जन्म हुआ था सामियाना विलेज मेड़ता नागौर के अंदर। इनके फादर का नाम इनके फादर थे, उनका नाम था आस सिंह। कई जगह पे आपको अचल सिंह भी मतलब कि देखने को मिलता है, बट आसा सिंह इनके फादर का नाम था। मदर का नाम था श्वेत कंवरी। खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज है वो हम लोग देखते हैं। एक तो ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है कि इनका जो ही वॉज नेफ्यू ऑफ जैमल मेड़तिया। ये नेफ्यू थे किसके, जैमल मेड़तिया। जैमल मेड़तिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कहाँ पे सुना का नाम बताइए। जैमल मेड़तिया, जैमल मेड़तिया के बारे में आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़ का जो थर्ड साका था। और कल्ला जी राठौड़ के बारे में भी वहीं पे सुना होगा कि किस तरीके से इन्होंने जो चित्तौड़ का जो थर्ड साका था वो इन्हीं के ही नेतृत्व में हुआ था। किस तरीके से जो इनकी वीरता का बखान है वो आपको वहीं पर ज्यादातर देखने को है, जो चित्तौड़गढ़ का थर्ड साका था उसमें। जैमल मेड़तिया के नेफ्यू थे, इनके भाई के बेटे थे कल्ला जी राठौड़। और इनफैक्ट जो मीराबाई थी, जो सेंट थी राजस्थान की मीराबाई, ये मीराबाई इनकी भुआ लगती थी। मीराबाई जो थी ना वो कल्ला जी राठौड़ की क्या थी, भुआ, भुआ लगती थी, मैटर्नल आंट बोलते, मीराबाई इनकी भुआ लगती थी। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम था इनका योगी भैरवनाथ, योगी भैरवनाथ, भैरवनाथ ये इनके गुरु का नाम है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल्ला जी राठौड़ की जो सिनोटैप है जो कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है, वो भैरव पोल पे, जो पोल का जो नाम है, जिस गेट का जो नाम है, वो इनके गुरु के नाम पे ही वहीं पर ही बनी हुई है। इस वजह से ध्यान रखना कि ये इनके गुरु का नाम था। ठीक है, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, कंटेम्प्रेरी किस, ये वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि चित्तौड़गढ़ का जो थर्ड साका था उसमें अटैक किसका हुआ था, अकबर का ही तो हुआ था। तो कंटेम्प्रेरी थे अकबर, यानी कि समकालीन थे ये अकबर के। एंड ही इज नोन एज इनकारनेशन ऑफ, इनकारनेशन तो आपको फोटो से ही समझ में आ जाएगा, है ना। इनकारनेशन किसके थे ये, इनकारनेशन ऑफ, ये क्या है, शेषनाग बना हुआ है ना, तो शेषनाग के ये इनकारनेशन, शेषनाग, राइट, ही वॉज इनकारनेशन ऑफ शेषनाग। कंटेम्प्रेरी अकबर के थे और शेषनाग के ये इनकारनेशन। इनके कई निकनेम्स आते हैं, अब देखते हैं इनके निकनेम्स, निकनेम्स और भी बहुत सारे नाम्स हैं जिनसे उपनाम, जिन्हें बोला जाता है, जिनसे इनको बुलाया जाता है। तो इनके निकनेम्स जो है उसमें आता है सबसे पहले चार हाथों वाला देवता, चार हाथों वाला देवता, वाला लोक देव,
देवता विद फोर हैंड्स या फोर आर्म्स ऐसे करते हैं, चार हाथों वाला लोक देवता के नाम से बहुत फेमस है, क्योंकि अब उसके पीछे भी स्टोरी है, बताऊंगी क्या चीज थी, आगे इसकी फोटो भी दिखाऊंगी आपको। चार हाथों वाला मतलब कि लोक देवता इनको बोला जाता है, उसके अलावा इन्हें योगी बोला जाता है, बिकॉज ही वाज वेल वर्स्ड इन योगा, तो योगी इन्हें बोला जाता है। उसके अलावा इन्हें बाल ब्रह्मचारी बोला जाता है, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी इनकी एक्चुअली में शादी हुई थी, पर जब इनकी शादी हुई थी तो वो जो तिलक वगैरह होता है ना, तो इनकी सास जब वो तिलक वगैरह कर रही थी तो उसी टाइम पे इनको पता चलता है कि अकबर का इस तरीके से अटैक हो गया है चित्तौड़गढ़ पे, और इनको वहां पे जाना पड़ा। तो ये अपनी वाइफ को कह करके आए थे कि भाई मैं बस अभी मतलब युद्ध में जा करके लेके वापस आ रहा हूँ, और फिर वहीं पर ही ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बाल ब्रह्मचारी इन्हें बोला जाता है। इसके अलावा इनका नाम है जिसे बोला जा इनका एक और नाम है, एक दो और नाम है, जैसे कि कमधन, और इन्हें कमधज भी बोला जाता है, कमधज, कमधन, कमधन, जो कि जो योद्धा जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें कमधन बोला जाता है। उसके अलावा इनका बचपन का नाम केसर सिंह भी था, कई जगह पे आपको केहर भी मिलेगा, केसर, केसर या फिर केहर, केहर भी मिलता है आपको नाम, ठीक है। तो ये इनके निक नेम है, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधन, और ये सब जो नाम है ये इनके निकनेम हो गया। एंड देन इसके बाद में मैंने जैसा कि बताया था इनको योगी बोला जाता है, क्योंकि ये योगा के अंदर, योगा में, मेडिसिन में इनकी मास्टरी थी बहुत ज्यादा, और ये वेपनरी में भी वेल वर्स्ड थे, अस्त्र शस्त्र का जो ज्ञान होता है उसके अंदर भी, अस्त्र शस्त्र में भी ये बहुत निपुण थे, तो वो चीज मानी जाती है। तो ही वॉज वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड इन, वॉज मास्टर, हैड मास्टरी। मैं पूरा सेंटेंस इसी वजह से लिखती हूँ जैसे कि आप नोट सॉर्ट ऑफ में बना सकें, आप इसे देख देख करके इससे नोट्स बना सकते हैं, मेडिसिन, राइट। सो ही हैड मास्टरी इन मेडिसिन एंड योगा एंड वेल वर्स्ड इन, वेल वर्स्ड वेपनरी और अष्ट से अभी था वेपनरी, राइट। इनके जो मैक्सिमम टेंपल्स हैं, टेंपल्स की अगर बात की जाए तो इनके जो मैक्सिमम टेंपल्स हैं वो हमें मिलते हैं वागड़ रीजन, वहां पे वागड़ रीजन के अंदर। अब ये वागड़ रीजन कौन सा है पता होगा आपको, हमने ज्योग्राफी में देखा है, वैसे भी पता ही है, वागड़ रीजन आ जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, नीचे वाला जो रीजन है साउदर्न राजस्थान, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, राइट। वहां पे इनके मैक्सिमम टेम्पल्स जो है वो इनके वहीं पर ही मिलते हैं, परंतु जो इनका मेन टेम्पल है वो कहाँ पे है, इनका जो मेन टेम्पल है, जो मेन वर्शिप प्लेस है वो है रनेला के अंदर, रनेला, रनेला, रनेला कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़, रनेला है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ पे इनका मेन टेम्पल है रनेला के अंदर। इसे सिद्ध पीठ भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, सिद्ध पीठ, इनकी सिद्ध पीठ, राइट। तो ये है मेन टेम्पल, एक इनका टेम्पल और है यहाँ पे, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ये कुछ इमेजेस हैं, ये चार हाथों वाला देवता, ये जब मतलब जब चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका था, जब अकबर का युद्ध हुआ था तब उस टाइम पे क्या था कि इनके पैर में गोली लगी थी, ऊपर जैमल जी बैठे हुए हैं, इनको पैर में गोली लगी थी, पर ये लड़ना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये यहाँ पे कल्ला जी राठौड़ को दिखाया गया, ये कल्ला जी राठौड़ है और ये जैमल मेरतिया, तो इन्होंने अपने कंधे पे बिठा करके दो तलवारें इनके हाथ में यहाँ पर दिख रही हैं और दो तलवारें इनके हाथ में, तो इस तरीके से चार तलवारें, इस तरीके से चार हाथों वाला देवता मतलब चार तलवारें लेकर के हैं। और यहाँ पे फिर इसके बाद में क्या हुआ था कि जब ये इनके सर से यहाँ पे मतलब इसने हमला किया तब ये गिर गए थे नीचे, तब इन्होंने बचाने के लिए जैमल को, उनका थोड़ा ट्रीटमेंट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए थोड़ा सा जैसे ही ये हुए तो पीछे पर वार किया और उनका सर काट दिया। इनका जो शीश अलग होते हुए भी ये सर, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक इमेज बताई है कि कैसे
कैसे इनका सिर नीचे गिरा हुआ है, बट फिर भी ये लड़ रहे हैं, इनका जो धड़ है वो लड़ता रहा था। तो ये एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था जो उस टाइम पे बताया गया था, जो कि हम इनकी स्टोरीज वगैरह में भी पढ़ते हैं। इनके टेम्पल की हम लोग बात कर रहे थे, तो टेम्पल जो है वो इनका एक और टेम्पल है जो कि सामलिया करके एक जगह है, सामलिया वहां पे है ये, सामलिया ये है डूंगरपुर के अंदर है सामलिया। वहां पे इनका जो आइडल है ना वो ब्लैक स्टोन का बना हुआ है, ब्लैक स्टोन आइडल है कल्ला जी का, जिसकी पूजा की जाती है। ये जो ब्लैक स्टोन का इनका आइडल है, इसके ऊपर जो भील कास्ट के लोग हैं वो एज अ ऑफरिंग के रूप में, मतलब कहते हैं ना हम चढ़ाते हैं जो भगवान की मूर्ति के ऊपर, तो वो सैफरन, तो वो सैफरन और उसके साथ में ओपियम चढ़ती है, केसर और अफीम। सैफरन और ओपियम जो है, केसर और अफीम इनके जो ये काले रंग की जो ब्लैक स्टोन आइडल है इसके ऊपर ऑफर किया जाता है, इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। कहाँ पे? ये जो सामलिया करके एक जगह है डूंगरपुर के अंदर, सामलिया वहां पर। ठीक है, अब अगर साका की बात करें तो इनकी डेथ कब हुई थी? ही डाइड इन थर्ड साका ऑफ चित्तौड़। कब हुआ था? थर्ड साका ऑफ चित्तौड़, थर्ड साका ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ा है ना, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में से करा है हमने वहां पर। थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ कब हुआ था? 1568 के अंदर हुआ था, है 7 में अटैक हुआ था, 68 के अंदर साका हुआ था। और साका के अंदर जो जौहर है वो किसने किया था? फूल कंवरी ने, है ना, फूल कंवर जो थी उन्होंने किया था, पत्ता सूर्या की वाइफ थी, जैमल की थी वो, उन्होंने किया था इसके अंदर जो जौहर। और साका में ये साका है उसके अंदर केसरिया और जो है वो दोनों चीज, तो केसरिया इन लोगों ने किया था। तो थर्ड साका जो था चित्तौड़ का, उसके अंदर इनकी डेथ होती है। इनकी छतरी है वो कहाँ पे है? इनकी जो छतरी है, छतरी लिख दो या फिर सिनोटैप कह दो, सिनोटैप। इनकी जो छतरी है वो कहाँ पे है? वो है भैरव पोल पे, भैरव पोल, भैरव पोल कहाँ पे है? भैरव पोल है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, चित्तौड़ फोर्ट में, चित्तौड़ फोर्ट जब हमने किया था तब मैंने आपको बताया था वहां पे कि भैरव पोल है वहां पे एक लोकेटेड, जो कि इनके गुरु के नाम पे है भैरव पोल, और वहीं पर ही इनकी सिनोटैफ बनी हुई, इनकी छतरी बनी हुई है कल्लाजी राठौर की। और इसी जगह पे, इसी भैरव पोल पे ही हर साल फेयर लगता है, हर साल फेयर लगता है कल्लाजी राठौर का। और ये फेयर कब लगता है? इस फेयर हेल्ड होता है आश्विन, आश्विन शुक्ल नवमी, शुक्ल नवमी को ये फेयर लगता है, अष्टमी का जन्म हुआ था, आश्विन शुक्ल नवमी को ये फेयर यहाँ पर लगता है। इनफैक्ट इनका जो ये वाला टेम्पल था, हमने जो बात की थी रनीला के अंदर, जो ये टेम्पल है जिसे सिद्धपीठ कहा जाता है, यहाँ पे क्या है, जितने भी पॉइजनस स्नेक वगैरह है या किसी भी पॉइजनस एनिमल ने काटा है, तो वो मतलब उस तरीके के जो बाइट्स होते हैं, स्नेक बाइट्स वगैरह, उन सबका ट्रीटमेंट यहाँ रनेला में किया जाता है। ठीक है, तो ये एक और इसके बारे में बात थी। ये हमने बात की कल्लाजी राठौड़ के बारे में, छोटी सी थोड़ी सी ये बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा है नहीं कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार जस्ट क्विक रिविजन कर लेते हैं, कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब कहाँ पे हुआ था? सामलिया विलेज जो है, सामियाना विलेज जो है मेड़ता नागौर के अंदर, आश्विन अष्टमी, ये नेफ्यू थे किसके? जयमल मेड़तिया के। और इनकी जो हुआ है वो मीराबाई हुआ करती थी, इनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ, ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर एंड ही इज नोन एज इनकारनेशन ऑफ शीशनाग, जो शेषनाग है उसके ये इनकारनेशन। इनके काफी सारे निकनेम्स हैं, जैसे कि चार हाथों वाला देवता काफी फेमस है ये, इसके अलावा योगी, बाल ब्रह्मचारी भी इन्हें कहते हैं, कमधन, कमधज और केसर सिंह या फिर केहर भी इनका नाम है। ही हैड मास्टरी इन मेडिसिन एंड योगा एंड ही वाज वेल वर्स्ड इन वेपनरी आल्सो। इनके मैक्सिमम टेंपल वागड़ रीजन में है, मेन टेंपल है रानीला चित्तौड़गढ़ के अंदर, रानीला चित्तौड़गढ़ के अंदर जिसे सिद्धपीठ कहा जाता है, यहाँ पे जो पॉइजनस वगैरह है उनका जो बाइट है उसका भी इलाज किया जाता है। अगर किसी मतलब किसी स्नेक ने काट लिया है तो उसका इलाज जो है वो यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा सामियाना एक जगह है डूंगरपुर, वहां पे इनकी मतलब इनका जो टेम्पल है उसमें ब्लैक कलर की आइडल है जिसके ऊपर भील कास्ट के लोग
वो सैफ्रन और ओपियम एज अ ऑफरिंग के रूप में चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं, ठीक है। इनकी जो डेथ है वो हुई थी थर्ड साका जो चित्तौड़गढ़ का हुआ था 1508 के अंदर, वहां पे हुई थी। और इनकी जो सिनोटैप है वो भैरवपोल चित्तौड़ फोर्ट के अंदर है। इनका फेयर लगता है आश्विन नवमी को। तो दिस इज ऑल अबाउट कल्लाजी राठौर। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। देन प्लीज शेयर द वीडियो विद एज वेल। आगे के वीडियोस में हम बाकी के बचे लोक देवता और अदर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस।